तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल सो आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट सो गाइस हम लोगों ने जो पहले अपना गप्पी ब्रीडिंग का पार्ट अपलोड किया था तो उसमें हम लोग जो ये अपनी गप्पी फिश लेकर आए थे ब्लूबेरी गप्पी वो सॉरी पर्पल ब्लूबेरी गप्पी तो हम इसमें कलर डलता है तो हम लोगों ने बताया था कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग ने इसको 20 डेज़ तक अच्छी डाइट दी है अच्छा प्रोटीन फूड दिया है तो अब ये 20 डेज़ पहले की वीडियो है जो आप इसकी क्वालिटी गप्पी देख सकते हैं ये ट्वेंटी डेज़ पहले की थी तो आज ये इस गप्पी को ट्वेंटी डेज हो चुके हैं तो आप देख सकते क्या क्वालिटी निकल के आ चुकी है ये पीछे दोनों है दोनों मेल है इन लोग का मोसाइक पैटर्न बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है और इसके जो डम्बो एयर थे उसमें ब्लू कलर आ चुका है और उनके बॉडी पे भी थोड़ा ब्लू ब्लू कलर आ चुका है तो ये दोनों मेल है और दोनों ब्रीडिंग के लिए भी रेडी हो गए और इसके ऊपर आप टेल पे और बॉडी के ऊपर दोनों के ऊपर आप देख सकते हैं मोसाइक पैटर्न आ चुका है तो हमने निकाल के आपको सोचा दिखाया तो जिससे अच्छा क्लियर व्यू मिले और जब ये राइट साइड में देख सकते हैं ये ट्वेंटी डेज़ पहले की थी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कितनी अच्छी ग्रोथ तो हो लोग के फिनस भी ग्रो कर चुके हैं और फिन पे बहुत अच्छा कलर आ चुका है सब रिज़ल्ट बस इनकी अच्छी डाइट की वजह से मिले हैं तो गाइस अब हम लोग इन लोग को वापस रिलीज़ कर दिए हम लोगों ने एक्वेरियम में तो आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा चेंज एक्वेरियम में क्या चेंज करने वाले इसमें अब न्यू मेंबर्स आने वाले हैं हम लोग के एक्वेरियम में जो ये तीनों मेल हैं अब इन लोग की ग्रूमिंग पूरी डन हो चुकी है तो अगर मैं ये छोटे वाले मेल हैं जो उसको और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मगर जो बड़ा वाला मेल है वो बाद में उसकी एज हो जाती फिर वो ब्रीड नहीं करता तो हम लोग आज इसमें वाटर लेवल जो कम हो चुका है उसको भरेंगे और जो स्पॉन्ज है इसको क्लीन करेंगे और बाद में जो ये फ़ीमेल है इसके अंदर डाल देंगे तो अभी वाटर क्लीन नहीं करेंगे थोड़ा सा चाहते कि ओल्ड वाटर है जब गप्पे फ़ीमेल आए तो इस इसलिए हम लोग सिर्फ स्पॉन्ज क्लीन करेंगे वो वाटर लेवल को पूरा कर देंगे और जो ये प्लांट है प्लांट भी बढ़िया ग्रो है मगर यह ली बस थोड़ा सा डेड हो गया थोड़ी एक नई लीफ भी निकल ली है मगर ये है ये बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है ये ऊपर तक आ चुका है और ये फ्लोटिंग प्लांट भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है इससे क्या होगा गप की फिश को हाइडिंग स्पेस मिलेगी और प्लांटेड एक्वेरियम तो उनको ज़रूर पसंद है तो शायद अब हम लोग इसी एक्वेरियम वाटर से अपना स्पॉन्ज फिल्टर क्लीन करने वाले जिससे अपने स्पॉन्ज फिल्टर का स्पॉन्ज का बेनिफिशियल बैक्टीरिया किल ना हो जाए तो गईज बढ़िया हम लोगों ने अपना इस्पॉन्ज क्लीन कर दिया है और जो आप वो पानी निकला है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कितना येलोइश वाटर निकला है और कितनी डर्ट निकली है तो फिल्टर का यही फ़ायदा रहता है कि एक्वेरियम के वाटर को ये मेंटेन रखता है और पानी को क्लीन रखता है तो अब हम लोग इसको थोड़ी देर कम से कम फोर्टी फाइव मिनट रन करने देंगे उसके बाद अपनी फ़ीमेल ऐड करेंगे तो गई एग्जैक्टली अभी फोर्टी फाइव मिनट हो चुके हैं तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं हम लोग अब अपनी फीमेल को अपने मेन टैक में, में रिलीज़ करेंगे तो जाके हम लोग अपने टब से फीमेल निकाल लेते हैं और में डालेंगे तो गैस हम लोग इसमें से पहले पानी निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं डालेंगे पहले एक्मेशन करेंगे क्योंकि वाटर टेम्परेचर उसमें लाइट लगी इसमें लाइट नहीं है तो उसमें वाटर टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी कर सकता है तो हम लोग इसके अंदर टोटल फाइव फ़ीमेल है एक एक करके निकालेंगे पहली फीमेल आ चुकी है तो ये ब्लू कलर वाली है और इसके अंदर हर कपे डिफरेंट डिफरेंट कलर की है तो सेकंड हम लोगों ने पकड़ ली है एंड दिस वन इज़ रेड ये रेड कलर की है और अब हम लोग निकालेंगे अपनी बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है पकड़ने के लिए क्योंकि ब्लैक टब है तो दिखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है तो हम लोग की ये थर्ड फीमेल आ चुकी है एंड दिस वन इज़ आई गेस ब्लू ये हाँ ये ब्लू कलर वाली है तो इसमें ब्लू भी है पर्पल भी है येलो भी है रेड भी है और एक और डिफरेंट कलर था तो अब हम लोग अपनी फोर्थ फ़ीमेल पकड़ने वाले हैं तो इन लोग इसमें रह रह के काफ पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी है और जो साइज़ इनका हो चुका है आप देख सकते अभी जब एक्वेरियम में रिलीज़ करेंगे तो इसका पूरा जो आपको व्यू दिखेगा तो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग पूरी चार फीमेल हम लोग कैच कर चुके हैं बस पाँचवीं फ़ीमेल यह सामने ही रही तो अब ये हम लोग पाँचों फ़ीमेल पकड़ लेंगे तब हम लोग एक्वेरियम में रिलीज़ करेंगे तो क्योंकि ये फिफ्थ फीमेल है बड़ी मुश्किल से पकड़ी है क्योंकि पूरे टब में ये घूमी जा रही थी इसलिए पकड़ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था तो हम लोग ने ये कैच कर लिए अब हम लोग इसको एक्मेशन करेंगे एक्वेरियम में बस हम लोग ऊपर क्या कहते हैं टॉप पर डाल के थोड़ी देर के लिए ही वाटर जो वाटर टेम्परेचर है इक्वल हो जाए कम सिर्फ दस मिनट लिए क्योंकि इतना डिफरेंट नहीं है वाटर टेम्परेचर में तो इसलिए सिर्फ दस मिनट लिए डाल देंगे तो पहले लाइट बंद कर देते हैं इस मैं जब भी एक्वेरियम में फ़िशेज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं एक्वेरियम की लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि जब एकवेरियम में फ़िश जाती न्यू इन्वायरमेंट होता है तो हो सकता है उनको शौक़ लगे तो फिशेज स्ट्रेस में हो सकती है बाद में उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने पड़ते हैं तो इसलिए इससे अच्छा कुछ स्टेप्स पहले ही कर ले जिससे कि फ़िश सीख ना हो हेल्दी रहे तो अब हम लोग इसको टेन मिनट के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे सो so गाइज़ अब पूरे दस मिनट हो चुके हैं फिशेस को एक्लिमेट होते हुए तो हम लोग क्या करने वाले है? हम लोग वाटर को नहीं डालेंगे क्योंकि पहली से एक्वेरियम में पानी ज़्यादा है तो हम लोग सीधा नेट ले कर के अंदर फ़िश डाल देंगे तो पहले इन लोग बहुत जम करती है फीमेल तो एक एक करके फीमेल निकालेंगे तो एक बार में पहले तो दो ही आ गई इससे अच्छा क्या हो सकता है तो पहले वो डाल दोनों डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं अब इनका साइज़ अब आपको रियल साइज पता चला होगा क्योंकि मेल का जो कंपैरिजन है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो अब पता चला होगा बहुत बढ़िया साइज़ है इसको कम से कम मैं डेढ़ महीने से रखा होता है अलग के में थोड़ा सा अभी कलर फेड हो गया है यह पर प, नीचे वाली वो पर्पल कलर है तो थोड़ी सी प्रोसेस में कलर फेड हो गया है एक दो दिन लगेगा वापस आ जाएगा इन लोगों का कलर तो अब यह रेड वाली आप देख सकते हैं कैसे जम कर रही है और जब मैं ये फिशेज लाया था तो एक बार हुआ था कि ये जो टब में रखा था उसमें से भी उछल गई थी बाद में सही टाइम पे देख लेते हुए बचा लिया था तो आप ये देख सकते हैं इसका रेड कलर है टेल में इसका भी थोड़ा सा कलर फेड हो गया है मगर नो प्रॉब्लम उसका भी बहुत जल्दी कलर आ जाएगा क्योंकि मैं डाइट बहुत बढ़िया देता हूँ उन लोग को तो एक और फीमेल फिर से आ चुकी है इसको भी हम लोग रिलीज़ करते हैं इसके टेल का कलर ज़्यादा फेड हो चुका है आप देख सकते हैं और ये फिफ्थ वाली मेरी फेवरेट येलो है और सबसे ज़्यादा जंप यही करती है तो जब अभी एक्वेरियम में जाएंगी जाएगी ये तो आप इसका येलो कोबरा टेल येलो देख सकते हैं तो अब हम लोग ने सारी अपनी फाइव फीमेल एक्वेरियम में रिलीज़ कर चुके हैं सो so ये है जो फाइव फीमेल हम लोगों ने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करी है तो अभी तो कोई भी फिश को शौक नहीं लगा है बढ़िया से एक्वेरियम में सेट हो गई जाके और इतना कोई ब्रीडिंग का मेल चेज भी नहीं कर रहे तो ब्रीडिंग के इतने साइंग भी नहीं लग रहे अभी थोड़ा सा आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा जो इनको सेटल uh, होने में तो क्योंकि जो बाद में मेल uh, होता है पहले फ़ीमेल के आसपास घूमता है बाद में फ़ीमेल को अट्रैक्ट करता है उसके बाद इन लोग की बढ़िया ब्रीडिंग शुरू होती है तो तो एक एक दिन आई गेस लग सकता है थोड़ा सा सेट होने में और हमने एक्वेरियम इस साइड से डिज़ाइन किया कि ये राइट साइड यहाँ पर प्लांट है वहाँ पर एक पीछे छिप सके और लेफ़्ट साइड में थोड़ा ओपन एरिया रहे और जब अगर गर्ल फीमेल एक बच्चे दे देती है तो राइट साइड में बच्चे छिप सकें वरना फीमेल जब बच्चे देने वाली होगी हम लोग इसको अलग कर लेंगे सो so गाइज यही था आज का वीडियो तो हम लोग जब अब अगला पार्ट बनाएंगे तो जो जो इन लोग बेबी देंगी तो उसको अभी हम लोग अपडेट आपको देंगे तो अभी तो फीमेल डालिए तो अराउंड वन मंथ से ऊपर लगेगा जब ब्रीडिंग प्रोसेस तो अभी एक दो दिन में ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी तो बाद में जब इन लोग को बेबी बर्थ देने में एक दो महीना तो लगेगा ही तो जब इन लोग का अलग कुछ अलग अपडेट होगा तो वो उसकी भी वीडियो हम लोग सून अपलोड करेंगे तो क्या आज की वीडियो यही था तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब फिर फ्रीम लेकिन नए टॉपिक्स तब तक के लिए गुड बाय